नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, हमारे यहाँ लगातार 3 से 4 दिनों तक बरसात आई और उस बरसात के कारण हमारे कई प्लांट खराब हो गए हैं और जो हमने सीड लगा रखे थे तो सीड भी गल गए हैं और जो पौध निकल रही थी तो पौध भी ज़्यादा बरसात के कारण खराब हो गई है। और दोस्तों, जो किसान बड़े पैमाने पर खेती करते हैं तो उनका तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है और हमारे भी कई प्लांट खराब हो गए हैं। तो दोस्तों, उनमें से हमारा पहला प्लांट ये है, आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर प्लांट था और इसमें फ्लावर भी बहुत सुंदर सुंदर आए हुए थे। और इसको तो दोस्तों अभी हम 8 से 10 दिन पहले ही नर्सरी से लेके आए थे और बरसात शुरू होने के एक दिन बाद ही हमने जैसे अगले दिन ही इसको रिपोर्ट किया था। तो ये जैसे 3 से 4 दिन तक बरसात में रहा तो इसके कारण इसकी हालत ख़राब हो गई और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही सूख गया और बहुत सुंदर प्लांट था। और दोस्तों, अगला प्लांट ये है हमारा ऑर्नामेंटल चिल्ली का। तो ऑर्नामेंटल चिल्ली का प्लांट भी हमारा बिल्कुल ही ख़राब हो गया। तो इसमें पर्पल कलर की चिल्ली आती हैं और इसमें ये फ्लावर भी बने हुए थे ढेरों। और इसी के पास ये गुलदावदी का प्लांट है, तो इस गुलदावदी के प्लांट को भी हम नर्सरी से नया ही परचेज करके लेके आए थे और इसमें छोटी छोटी कलियां भी बन रही थी, लेकिन ज़्यादा बरसात के कारण ये प्लांट भी हमारा ख़राब हो गया है। और इसी के पास ये एक और कोसमोस का प्लांट था, कोसमोस का प्लांट भी आप देख सकते हैं कितनी बुरी हालत हो गई है। और इसी के पास ये गुलदावदी का प्लांट है, मतलब हमने कटिंग लगा रखी थी और कटिंग चल भी पड़ी थी, लेकिन ज़्यादा बरसात के कारण इसमें गमले में ज़्यादा पानी भर गया था और इसलिए ये गल गई और ऐसे ही यहाँ ये लगी हुई है इस गमले में। और दोस्तों, क्योंकि जैसे लगातार 3 से 4 दिनों तक बरसात आई थी तो इसलिए हम टेरेस के ऊपर भी नहीं आए थे। और दोस्तों, ये भी है ना, एक हमारा मोगरा का प्लांट था, तो मोगरा का प्लांट भी आप देख सकते हैं बिल्कुल ही जल गया है और ख़राब हो गया है ज़्यादा पानी के कारण। और यहाँ भी ये कुछ प्लांट हमारे ख़राब हो गए हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे 3-4 दिनों तक बरसात आई थी तो हम टेरेस के ऊपर नहीं आए थे कि भाई पानी तो डालना नहीं है, इसलिए हम टेरेस के ऊपर नहीं आए और इनमें ज़्यादा पानी भर गया, जिस कारण कि ये हमारे प्लांट जो है रूट रोट का शिकार हो गए और बिल्कुल ही ख़राब हो गए। और ये हमने जो है कटिंग लगा रखी थी तो इनकी भी हालत आप देख सकते हैं कैसी हो गई है, बिल्कुल ही ये कटिंग ख़राब हो गई हैं। और यहाँ हमारे कुछ ये लगे हुए हैं सब्जियों के प्लांट पौधे, तो आप देख सकते हैं खीरे का प्लांट है, वाइन चल रही थी बहुत बढ़िया और इसमें ये खीरे भी आ रहे थे, तो ये खीरे लगे हुए हैं तो खीरे भी आ रहे थे और ये खीरे भी 3 से 4 दिनों के अंदर ही, मतलब ये वाइन बिल्कुल ही ख़राब हो गई और बहुत हेल्दी वाइन थी। यहाँ भी ये खीरे का एक प्लांट है और बहुत बढ़िया से चल रहे थे, तो इनकी भी हालत आप देख सकते हैं कितनी ख़राब हो गई है। और एक ये हमारा प्लांट जो एक कोचिया का प्लांट, ये भी ख़राब हो गया है। और यहाँ ये सब्जियों के पौध लगा रखी थी गोभी की, तो इनके भी है ना पत्ते ख़राब हो गए हैं गोभी के पौध के। और यहाँ भी है हमारा एक मिर्ची का प्लांट था, तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है इस वाले पॉट में से। और ये कुछ कुछ प्लांट हमारे बच गए हैं सब्जियों के, और इसमें बैंगन का प्लांट था, तो बैंगन के प्लांट के भी आप देख सकते हैं पत्ते ख़त्म हो गए हैं, बल्कि ये घास उग निकल आई है पेड़ों में। और यहाँ भी ये जो पेड़ हैं, मतलब हमारी पौध लगी हुई थी तो पौध की भी बुरी हालत हो गई, उनके जो ऊपर से पत्ते थे वो भी ख़राब हो गए और जो कई मतलब कई पौध तो बिल्कुल ही ख़राब हो गई सब्जियों की।
और दोस्तों इस कैरेट में हमने धनिया लगा रखा था और धनिया हमारा ग्रो भी हो गया था और वो धनिया भी आप देख सकते हैं बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। और इसमें हमने जो विंटर सीजन के सीड डाल रखे थे तो आप देख सकते हैं उनकी भी हालत है ना कुछ ख़राब ही हो रही है। कोई कोई प्लांट ही बचा है, बाकी सब जो छोटे छोटे प्लांट थे पिटूनिया के थे और जैसे डायंथस वगैरह के थे तो वो भी हमारे ख़राब हो गए हैं। और यहाँ से भी कई प्लांट हमारे जो है छोटे छोटे, इसमें पिटूनिया का प्लांट लगा हुआ था वो भी ख़त्म हो गया है। और यहाँ भी हमारे ना जो हमारे विंटर सीजन की हमने फूलों के और सब्जियों के सीड डाल रखे थे तो आप देख सकते हैं इनकी हालत भी बिल्कुल ही ऐसी ही है, ख़राब सी। और यहाँ भी ये हमारे कुछ बच गए हैं, और क्योंकि इसको हमने ना इसके नीचे उठा के रख दिया था स्टैंड के नीचे तो इनमें ज़्यादा पानी नहीं गया था तो इसलिए ये थोड़े ठीक हैं, लेकिन फिर भी इनमें से कई प्लांट ख़राब हो गए हैं और इनमें सब में जो है प्लांट निकल रहे थे तो सभी के बरसात के कारण हमारे प्लांट जो है ख़राब हो गए हैं। क्योंकि ये बरसात जो है ना बेमौसम की बरसात थी और इन गमलों में भी हमारे प्लांट निकल रहे थे वेजिटेबल के तो वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि नाजुक प्लांट होते हैं बिल्कुल और ज़्यादा पानी पड़ जाता है तो ये ख़त्म हो जाते हैं। और दोस्तों ये बरसात जो है बेमौसम की बरसात थी, सितंबर का बिल्कुल लास्ट वीक चल रहा है और इस मौसम में बरसात हुई तो इसलिए इनका ये हाल हो गया। और दोस्तों ये देखें आप कितना सुंदर हमारा ये मोरैया पेनाकुलाटा का प्लांट हो रहा है, बहुत सुंदर इसमें फ्लावर आए हुए हैं। क्योंकि इस वाले प्लांट में जो है बरसात के बाद ही फ्लावर आते हैं तो जैसे काफ़ी पेड़ पौधों का नुकसान हुआ है और काफ़ी पेड़ पौधे जो है बरसात के कारण अच्छी ग्रोथ कर गए हैं तो उनमें से ये प्लांट है एक मोरैया पेनाकुलाटा का जो ग्रोथ करा है, वरना हमारे जो है टेरेस के ऊपर काफ़ी प्लांट ख़त्म हो गए हैं। और रेन लिली का के प्लांट में भी बहुत बढ़िया ब्लूमिंग हुई है बरसात के बाद में, लेकिन अधिकतर प्लांट हमारे जो है तेज़ बरसात के कारण ख़राब हो गए हैं। दोस्तों आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि आपके गार्डन में क्या हाल हुआ है तेज़ बरसात के कारण, इस तरह से ही पेड़ पौधे ख़राब हुए हैं या फिर उनकी ग्रोथ अच्छी हो गई है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि पेड़ पौधे बरसात आने के बाद हरे भरे हो जाते हैं और कुछ पौधों के लिए जो है बरसात नुकसानदायक होती है। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।